गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग ब्लॉग। आज है फ्राइडे, सेंसेक्स की एक्सपायरी, और ऑफिस में हमारे साथ नितेश आया बहुत दिनों के बाद। तो ट्रेडर मनीवास का टी शर्ट वगैरह पहले बढ़िया लग रहा है एकदम, मेन इन ब्लैक और पृथ्वीराज भी, हम तीनों हैं अभी। और सेंसेक्स में क्या ओवरऑल मार्केट में गैप डाउन हुआ था, यूएस मार्केट डाउ जोन्स वगैरह 1.5% फॉल हुए थे कल रात को, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी पड़ा है और गैप डाउन हुआ था अच्छा खासा, 1% का गैप डाउन था ओपनिंग पे। प्रीमियम भी बहुत अच्छे बढ़ गए थे कल, जितने प्रीमियम थे सेंसेक्स में उसमें ऑलमोस्ट 10% का गेन हुआ था। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा देखा 15-20 मिनट मार्केट डीके दे रहा है कि नहीं, और फिर पोजीशन बना ली 9:30 के आसपास। पोजीशन आपको पहले दिखाता हूँ क्या ट्रेड किया है और उसको कैसे अभी मैनेज करेंगे। तो ये पोजीशन है 8600 का पुट है और 81700 कॉलेज ट्राइंगल की पोजीशन है। दो बार इसको एडजस्ट किया है, पुट को एक बार रिस्क ऑफ किया, कॉल को एक बार रिस्क ऑन किया। तो अभी MTM चल रहा है ऑलमोस्ट 4500 और क्वांटिटी सिर्फ 100 है प्राइमरी अकाउंट पे, तो इसका ऑलमोस्ट 4.5 times ये बड़े अकाउंट पे होगा, तो इस पे 16000 चल रहा है। ये दोनों अकाउंट हमारे मनीवर्स के तो प्राइमरी से हम एग्जीक्यूट करते ट्रेड, बाकी अकाउंट पे कॉपी होती है सारे अकाउंट पे, यहाँ पे डैशबोर्ड पे सारे अकाउंट है उस पे कॉपी होती है। तो अच्छा खासा डीके हो रहा है, पर फिर भी हमने क्वांटिटी है ना फुल्ली एंट्री नहीं की, हमने क्वांटिटी बस 25-30% ही डाली हमारे ओवरऑल क्वांटिटी से, बिकॉज मार्केट में बीच बीच में स्पाइक लगते मूवमेंट आते, तो धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। तो देखते हैं अभी, अगर बिल्ड करने का मौका मिलता है तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो अगर इसी क्वांटिटी पे रहना पड़ता है तो उतना ज़्यादा कुछ यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, 0.5% के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं, बट बीच में मौका तो मिलेगा, ऐसा नहीं होगा स्पाइक आएगा MTM थोड़ा सा कम होगा तब हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, अगर आई वी वगैरह स्पाइक होता है तो। और गैप डाउन देखो कितना बड़ा था, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1% के आसपास का गैप डाउन था, इतना बड़ा गैप डाउन था। उसके बाद मार्केट में बाउंस आया और बाउंस को सस्टेन नहीं किया, फिर से सेल ऑफ आया। तो अभी 81000 राउंड नंबर के आसपास मार्केट ट्रेड कर ले, लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। फिर निफ्टी भी देखो गैप डाउन, निफ्टी देखते हैं मेन इंडेक्स हमारा इंडिया का निफ्टी 50 भी गैप डाउन होने के बाद फर्स्ट कैंडल बाउंस और सस्टेन नहीं किया फॉल, तो सपोर्ट वगैरह ब्रेक कर दिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखो जो सपोर्ट एरिया था वो ब्रेक हो गया निफ्टी में नीचे की तरफ, थोड़ा सा अभी निगेटिव बन गया, देखते क्या होता है नीचे जाता है, यहाँ से बाउंस लेने की गुंजाइश है बिकॉज यहाँ पे है सपोर्ट एरिया। अगर देखा जाए निफ्टी में तो सपोर्ट एरिया ये वाला, यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता तो यहाँ तक आ सकता है आने वाले दिनों में, या फिर आज भी आ सकता है, ज़्यादा कुछ बड़ा फॉल नहीं है ये, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स इतना तो मूव करता है, एक कैंडल में भी मूव होता है मार्केट। तो नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी के लिए अभी 24650, देखते क्या होता है। और राउंड नंबर है सेंसेक्स में क्या होल्ड कर पाता है राउंड नंबर को आज, तो वो भी देखने वाली बात होगी। MTM अभी थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है, देखते हैं क्वांटिटी बिल्ड करते हैं, थोड़ी देर के बाद पोजीशन आपके साथ शेयर करते हैं। गाइस अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2 बजने को आ रहा है 1:59 और मार्केट मस्त अपना रेंज में ट्रेड कर रहा है सेंसेक्स, और धीरे धीरे क्वांटिटी बिल्ड की, अभी 300 क्वांटिटी पे आ गए और ये ट्रायंगल चल रहा है अभी 99 प्रीमियम है, 81700 का कॉल और 8900 का पुट, प्रॉफिट अभी 14000 के आसपास का चल रहा है और बड़े अकाउंट पे 68000 आसपास का, मतलब नियर टू 0.75% सारे अकाउंट कॉपी में चल रहे हैं। अभी क्या हो सकता है देखो, रेंज में रह सकता है, अगर रहता है तो ये इजीली खाने को मिलेंगे, अगर नहीं रहता मूव आती है अपसाइड तो कॉल थोड़े से हमारे रिस्क में आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं बिकॉज ओवरऑल मार्केट साइडवाइज एक शार्प अपसाइड ये डे हाई के आसपास जाता है तो यहाँ पे कॉल एक्सप्लोड होगी, तो उसको मैनेज करने के लिए हम पुट से रिस्क ऑन करेंगे या फिर एक लिमिट के बाद इस कॉल को शिफ्ट कर देंगे, रिस्क ऑफ कर देंगे। बारिश कंटिन्यू चल रही है और यहाँ पे थोड़ा गर्म पानी वगैरह पी रहा हूँ, थोड़ा सर्दी जैसा लग रहा है। नितेश क्या लग रहा है भाई, आज कितना निकालोगे प्रॉफिट? आज प्रॉफिट हो जाए बस, कोई ग्रीन होना चाहिए, प्रॉफिट चलेगा। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? 0.7 के आसपास कर दे बुक, फिर हो गए नहीं अभी और थोड़े लिमिटेड ट्राई तो नहीं, अभी एग्जिट ही कर दे, हो गए अभी क्यों ना लेते। तो ठीक है, देखते कितना प्रॉफिट होता है। जब भी टाइम हो रहा है 3:18 और अभी मार्केट क्लोज होने वाला है और ये सब देखो जीरो हो गए, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे प्रॉफिट। ये छोटे अकाउंट में 17,800 और बड़े अकाउंट का प्रॉफिट है 83,000 हो जाएगा बुक इसमें। और मार्केट भी देखो एंड में थोड़ा वोलेटाइल हो गया, फिर भी मैनेज किया है
एडजस्टमेंट किए परफेक्टली और ओवरऑल मार्केट ना सेंसेक्स में इतना बुरा नहीं था, आज अच्छा था। तो कल लगा ही था सेलर्स के दिन आने वाले, तो वैसे ही आ गए और भी करेंगे एग्रेसिवली। और नीतीश देखो खुश लग रहा है, कितना हुआ है प्रॉफिट नीतीश? 7600, बहुत बढ़िया। पृथ्वीराज आज 29 के आसपास हुआ। अरे वाह, बहुत बढ़िया प्रॉफिट। और सबका हो गया प्रॉफिट आज, बाकी अकाउंट्स भी दिखाता हूँ। तो ये सारे अकाउंट्स का प्रॉफिट है, पॉज करके देख सकते हो। बढ़िया दिन था सेलर, बहुत बढ़िया दिन था, अच्छा दिन था, अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आपको इस ब्लॉग से सीखने को मिला होगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।